खबर यूपी के एटा जनपद मुख्यालय के कोतवाली नगर क्षेत्र से है, जहां शनिवार को हुई 5 लोगों की मौत का खुलासा पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद किया है। पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक राजेश्वर पचौरी की बहू दिव्या ने ही पहले भोजन में विषाक्त पदार्थ मिलाकर 4 लोगों को भोजन करवाया। इसके बाद खुद ने भी हार्पिक पिया और हाथ की नसें काटकर खुदकुशी कर ली। एटा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार ने बताया कि सभी मृतकों के शवों का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया था। पुलिस ने हत्या की सूचना मिलने के बाद घर का गैस कटर से दरवाजा काटकर गेट खोला तो सभी के शव मकान में अलग अलग पड़े दिखाई दिए। मामले की गंभीरता को समझते हुए एसएसपी सुनील कुमार सिंह, एएसपी संजय कुमार भी मौके पर पहुंचे और सहायता के लिए डॉग स्क्वाड और सर्विलांस टीम भी मौके पर बुलाई गई। इन सभी जांचों के बाद 5 शव अंतर परीक्षण के लिए भेजे गए, जहां पर डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, डॉक्टर आर एन जिंदल और डॉक्टर अनीता के 3 सदस्यीय पैनल ने वीडियोग्राफी के माध्यम से शवों का अंतर परीक्षण किया, जहां पर इसका खुलासा हो पाया। आपको बता दें कि सभी मृतक श्रृंगार नगर में एक ही परिवार के थे, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी लोगों के बीच में जिरह चल रही थी। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। जनपद एटा के कोतवाली नगर क्षेत्र में मोहल्ला श्रृंगार नगर में एक वकील साहब स्थानीय अधिवक्ता, उन्होंने सूचना दी थी प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर को कि हमारे मोहल्ले में पचौरी जी के मकान में जो अंदर से बंद है और बाहर से बार बार आवाज़ देने और दरवाज़ा पीटने को कोई क्रिया नहीं हो रही है, झांकने पे बाहर से ऐसा दिख रहा है कि उनकी बहू चारपाई में पड़ी है, इसके मुँह से झाग निकल रहा है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर, सीओसीटी, एडीएम प्रशासन और एडिशनल एसपी मौके पर पहुंचे। वकील साहब और इसी मोहल्ले में एक गली आगे मृत राजेश्वर पचौरी के सगे भाई, उनके और परिवारजनों की तथा मोहल्ले के 50-60 लोगों की मौजूदगी में दरवाजे पे पहुंच के दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया गया, काफी आवाज लगाई गई और बाहर। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवन संवाददाता अमरीश मेरे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमरीश, काफी दिल दहलाने वाला सनसनीखेज ये पूरा वाकया रहा। पोस्टमार्टम के बाद में पता चला कि जो बहू थी उसी ने पहले 4 लोगों के खाने में विषाक्त पदार्थ यहां मिला और उसके बाद में हार्पिक पीकर खुदकुशी कर ली। क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या ये पूरा वाकया रहा? जी जयती, जिस तरह की एक हृदय विदारक खबर थी और जिस तरह से 5 व्यक्तियों की मौत होती है एक घर में, और इससे सिर्फ जनपद ही नहीं प्रदेश भर में एक बड़ी आवाज उठती कि एक ही घर से 5 व्यक्ति की मौत हुई। एसएसपी ने इस गंभीरता को लेते हुए जिस तरह से 3 सदस्य डॉक्टर पैनल के साथ बात की, वीडियोग्राफी के जरिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी, उससे ये नतीजा निकल के आ रहा है कि आपसी घर कला थी, जिसमें बहू ने इतना ज्यादा निचोड़ के रख दिया था उसको कि उसने इस तरह की हरकत की और एक जानलेवा हरकत की। सबसे पहले अपने ससुर, अपने छोटे बेटे और अपनी बहन को उसने जहरीला पदार्थ खिलाया भोजन में मिलाकर, इसके बाद अपने बड़े पुत्र की गला घोटकर हत्या कर दी। इसके बाद जब उसकी हिम्मत ये नहीं हो पाई कि वो खुद जहर खाए, तो उसने हार्पिक पीने के बाद ब्लेड से अपने हाथों की नसों को काट लिया। लेकिन इसके बाद जो शवों के ऊपर, जो उसके बेटे के शव के ऊपर खून के छिट्टे थे, वो पुलिस के दिमाग को कहीं ना कहीं घुमा रहे थे कि ये शव के छिट्टे किसके हैं, ये जो खून के दाग हैं, धब्बे, वो किसके हैं। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उस पर रिपोर्ट में ये निकल के आया कि वो जो खून के धब्बे थे बहू के ही थे, जो उसने अपने हाथ की नसों को काटा था उसके धब्बे थे। काफी बड़ी घटना थी ये, और जिस तरह से डॉक्टर की टीम ने कुछ ही घंटों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये दावा कर दिया, कहीं ना कहीं जिले के लोगों में एक जो दहशत व्याप्त थी वो थोड़ी कम हुई, क्योंकि लोग इसको बड़े गंभीरता से देख रहे थे कि लोग कैसे घुसा, क्योंकि जिस तरह से अंदर से दरवाजा बंद था। हम अक्सर देखते हैं कि दरवाजे बंद हैं लेकिन फिर भी चोरी हो जाती हैं या बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन पुलिस ने गैस कटर से जिस तरह से काटा दरवाजे को, डॉग स्क्वाड की मदद से फिंगरप्रिंट लिया घर के हर एक कोने का कि बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश तो नहीं है। जब पुलिस का संदेह जो है वो, जब उसको आत्मसंतुष्टि मिल गई, उसके बाद डॉक्टर्स के नतीजों पर पुलिस गई और एसएसपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस घटना का खुलासा किया। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद अमरीश।